नमस्ते पब्लिक, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभाकर लेगेसी में। और आज हम आए हुए हैं न्यू रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है ज़ीरो डिग्री। ज़ीरो डिग्री सामने ही है, बट अभी हम लोग कार में बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, तो आप लोग देखें सामने ही ज़ीरो डिग्री रेस्टोरेंट है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो पूरा भीग जाऊँगा, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा बारिश हल्का होने का। तो हम लोग चलते हैं अंदर की, आपको डेकोरेशन दिखाएंगे, डेकोरेशन वाइज कैसा है टेस्ट फूड का, और बहुत कुछ है एक्साइटमेंट। तो अभी देखेंगे आगे, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, जल्दी से अंदर भाग लो। सो पब्लिक, अब बारिश थोड़ी सी हल्की हो चुकी है, तो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से अंदर और रेस्टोरेंट पे आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरे से भी अब सबर नहीं हो रहा और आपका भी शायद सबर टूट रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अंदर। अच्छी खासी बारिश हो रही है यार, सामने है ज़ीरो डिग्री कैफे। जल्दी से चलता हूँ मैं, आज इन लोग को कवर नहीं करूँगा क्योंकि मैं भीग गया तो मेरी हालत हो जाएगी ख़राब। तो पब्लिक, हम लोग बारिश से बचकर अंदर आ चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में अंदर। आज फिर से आपको दिव्यांशु, आपको डायलॉग तो याद होगा मेरा, इतु सा का मेरा फ्रेंड आया हुआ है यहाँ पर, तो अभी ये आया हुआ है, तो अब चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर। पब्लिक, अब हम लोग मेन्यू में से देखते हैं और ऑर्डर करते हैं, हम लोग को क्या क्या ऑर्डर करना है अभी देखते हैं। दिव्यांशु और अनिकेत, आशु हमारा क्या ऑर्डर करते हैं, मैं आशु को भी दिखाता हूँ आपके लिए आज थोड़ा सा। वो कैमरे के पीछे ही रहता है, वो थोड़ा शाय है, आता ही नहीं है कभी कैमरे के आगे, तो आज मैं आज आपको उसका थोड़ा सा फेस दिखाऊँगा। ये हैं आशु, देखिए अभी भी थोड़ा शर्मा रहे हैं, और शायद कोई लड़की पीछे एक कप चाय लेकर खड़ी हुई है आशु के लिए, ये देखिए। तो बट आशु बहुत बहुत शाय है, तो ये कैमरे के आगे आना नहीं चाहता है। तो पब्लिक प्लीज़, आप इसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हैं कि आशु जी आप आइए हमारे सेक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे दिखाते हैं आपको मेन्यू में क्या क्या है। ये देखिए, ये आपका फुल मेन्यू है, देख सकते हैं फ्राइज इन अ जार, ठीक है। और मैं इसमें फर्स्ट पीस पे पिज्जा स्पेशल है, पिज्जा की बहुत सारी वैरायटियां हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मीडियम इसमें 849 लिखा हुआ है, तो होगा या नहीं होगा तो इसका मुझे अभी पता नहीं है। सिंगल सर्व पिज़्ज़ा भी है इनके पास, जो स्टार्टिंग इनकी 99 रुपीज़ से है। सेकेंड में आपके बहुत सारी बर्गर की वेराइटीज़ मिलेगी, स्लाइडर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, सैंडविच हैं, सैंडविच की भी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, बट सैंडविच इट्स टू कॉस्टली, जो सैंडविच है वो लाइट जा चुकी है, लाइट गई थी बट आ चुकी है लाइट वापस। सैंडविच की बहुत सारी वैरायटी है, बट सैंडविच के प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं, हाई कॉस्ट है उनकी, 229 से स्टार्टिंग है। और इसमें गार्लिक ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड भी थोड़ा सा कॉस्टली है, और यहाँ पर चिकन है, चिकन भी थोड़ा सा कॉस्टली नहीं है, 12 पीस 259 है ओनली। तो बट अभी सावन चल रहा है, तो सावन में नॉन वेज मैं तो खाता नहीं, आशु खाता है, तो बट अभी ट्राई नहीं, सावन नहीं खाता क्योंकि सावन चल रहे हैं। एंड आगे आपको डम्पलिंग है, और इसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही रहेंगे आपके, ठीक है। नाचोज हैं, नाचोज की भी थोड़ा सा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, बट टेस्ट वाइज कैसा है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ऑर्डर करने के बाद टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि सारे फूड्स कैसे हैं। ऑर्डर देते देते काफ़ी देर हो चुकी है और फाइनली अब जाके ऑर्डर दिया है, 15 मिनट हो गए। भैया एक तो आप मान ली दे दो, एक्स वेज पनीर, वेज एक्स वेज बर्गर, एक्स वेज सुपर वेज ट्राई करें, अच्छा है या एक्स वेज है? सुपर वेज अच्छा है, एक सुपर वेज ही बर्गर दे दो, और एक ये दे दो पनीर डिलाइट पिज़्ज़ा। सर सॉरी सर, कोई सा नहीं है फिर, है क्या सिंगल पिज़्ज़ा नहीं बनता? सर सिंगल सर, कोई स्मॉल कोई पिज़्ज़ा नहीं, सिर्फ लार्ज है। लार्ज ले लो, ले लियो भाई। कौन सा लेना है इसमें भी आप बता दो, कौन सा अच्छा है? वेज का भी नॉन वेज सावन सर, फोर्थ वेज ही वेज पनीर आप मीडियम ही रखवाना है।
भैया मीडियम ही रखना है, मीडियम नहीं लीजिए सिर्फ लार्ज है, सिर्फ लार्ज कर दो वेज या फिर लार्ज। और सब बढ़िया भैया। छोटी सी मुस्कान जरूरी होती है हर किसी के लिए यार, वो तब तक उससे वो कर लें। तो गाइज हमें यहाँ पर छोटी सी एक पानी की बोतल दी गई थी जिसकी कॉस्ट में थी ये लोग 20 रुपीज़ लगाएंगे, तो आप लोग सोच समझ के यहाँ पर पानी लीजिएगा या फिर अपना पानी अंदर से लेकर आइएगा। ओके, और ये बर्गर आया हुआ है तो बर्गर की जो क्वालिटी है वो तो बहुत अच्छी है, और ये शायद ऑलिव लगा कर दिया इन्होंने, ये छोटा सा ऑलिव लगा हुआ है और थोड़े से इसमें चिप्स भी आपको साथ में दिए हुए हैं, तो आप टेस्ट करेंगे और बताएंगे ये कैसा है आपके लिए। लगाओ ना अच्छे से लगाओ लगी। तो पब्लिक अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं बर्गर को, वेजी बर्गर है ये, और टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है। इन्होंने हार्ट शेप में दे दिया, बट हम तीनों तो सिंगल हैं यार, किसके लिए दे दिया इन्हें पिज़्ज़ा? हार्ट शेप के लिए दिया हुआ है, बट पिज़्ज़ा है इसके लिए बहुत अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है, प्राइस काफ़ी प्राइस बड़े हैं वहाँ से, पिज़्ज़ा भी काफ़ी बड़ा है, तो आप टेस्ट करके बताएंगे आपको पिज़्ज़ा कैसा है। और देखते रहिए मेरा ब्लॉग क्या करते हैं, और कैसे डालो ना, बहुत निकलते तेज है इसकी बनना, मैंने खाई थी एक बैठे, सो भैया अभी टेस्ट लेने वाले हैं इसका। सो थोड़ा सा हम लोग सॉस ले लेते हैं, सॉस को हम लोग यहीं पर रख लेते हैं, तो सॉस ये लोग दीवा का सॉस यूज़ करें जो क्वालिटी और भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग टेस्ट कर लेंगे जल्दी से। पिज़्ज़ा ईजी पिज़्ज़ा है, वेजी पिज़्ज़ा है, पता ही नहीं चल रहा है, बट चलो पिज़्ज़ा शॉप को, तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने क्वांटिटी का पिज़्ज़ा ठीक है, ज़्यादा टेस्ट वाइज अच्छा नहीं है, 200 के वैल्यू फॉर मनी है, इसके हिसाब से टेस्ट नहीं है गाइस। और आपको पिज़्ज़ा देखने का ऐसे पैसा बिल्कुल जला दिया, यहाँ से आप देख रहे हैं ये देखिए कितना हार्ड है पिज़्ज़ा, इतना हार्ड नहीं था, बहुत सॉफ्ट होता है, ये देखिए इतना कितना हार्ड है, ये देखिए बहुत हार्ड है। तो गरीब बर्गर ट्राई किया था हमने, बर्गर बहुत बेस्ट था हमने आपको बताया था, बट पिज़्ज़ा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम लोग अभी खाना तो पड़ेगा ही क्योंकि ऐसा दिया है, शायद किसी ने कुछ पीछे ग्लास पटक दिए, किसी वेटर को शायद गुस्सा आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं और इसे खा के फिनिश करते हैं। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। हेलो भैया कैसे हो आप, कुछ यहाँ की कोई खास बात बता दो यहाँ पे जो हो। आइए सीनियर सर प्लीज, यहाँ की मोस्ट एक्सपेंसिव डिश क्या है यहाँ पे? सर हमारे पेरी पेरी चीज़ फ्राइज सबसे बेस्ट है, और फ्रिक स्टिक्स ट्राई करें वो भी ज़्यादा अच्छे हैं, कूलर्स वगैरह। कल अभी आपका हमने बेस्ट बर्गर ट्राई किया था, वो भी अच्छा था आपका, तो ऐसे टेस्ट बन रहा है बरेली में। तो सर हमारे पेरी पेरी चीज़ फ्राइज काफ़ी अच्छा है, और बाकी स्लाइडर्स जो भी है वो आपने नेक्स्ट ट्राई करेंगे, बाकी सारे ड्रिंक्स भी ट्राई करिए, ड्रिंक भी बहुत अच्छी है, ट्राई नहीं किया ना फ्रिक स्टिक्स वगैरह, कॉफ़ी हमारी स्पेशल है सर, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सर। अभी थोड़ा सा जब और ज़्यादा बारिश होगी ना उसके बाद कॉफ़ी ट्राई होगी। सर्विस बहुत अच्छी थी, और भैया ने सर्व किया था पिज़्ज़ा, और टेस्ट वाइज बर्गर भी भैया ने सर्व किया था। भैया का नाम क्या आप? भैया का नाम मोहम्मद आरिफ है, आरिफ नहीं आदिल, मोहम्मद आदिल नाम है भैया का। भैया यहाँ पे जो आप ऑर्डर करेंगे वो सर्व करेंगे, तो भैया की सर्विस बहुत अच्छी थी, तो आइए एक बार यहाँ पर देखिए।
चाहिए इसमें। तो पब्लिक अब हम लोग चलते हैं घर और हम लोग आपको रिंगे और पी देंगे और आके बाहर सो पब्लिक मैंने अंदर आपसे बोला था कि टेस्ट वाइज अच्छा है बट जो बर्गर था वो डिलीशियस था, बुराई नहीं करूँगा। और जो पिज़्ज़ा था उसमें मैंने आपको दिखाया था ब्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पब्लिक कि सिर्फ आप सिर्फ बर्गर की रेंज ही ट्राई कीजिए, यहाँ के पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है। और ड्रिंक्स भी ट्राई कर सकते हैं, ड्रिंक्स भी अच्छे हैं बट पिज़्ज़ा मुझे नहीं समझ में आया। वैल्यू फॉर मनी आ सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, आप आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। हम लोगों ने रेल कैफे में इतना कुछ खाया था वहाँ पे और 609 रुपए मिला था। यहाँ बता रहे हैं आप, अब सुन रहे हैं। और यहाँ पे बस हम लोगों ने एक बर्गर और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो भी लार्ज था, लार्ज खाली नाम का लार्ज था बस वो, और हम लोग का 638 का बिल आया, बिलिंग की इन लोगों ने, तो वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप आओ यहाँ पे, आके फ़ोटोज़ क्लिक करो मस्त, यहाँ पे अच्छा है। तो पब्लिक आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो मेरे ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। तो मेरा चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे ब्लॉग को। और मैं प्रॉपर बरेली से हूँ, बेसिकली बरेली से ही हूँ, और हमारा चैनल प्रभाकर लैगेसी नाम से है। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे यहाँ हर चीज़ आपके लिए। मैं बरेली से एक्सप्लोर करूँगा, ऑल ओवर इंडिया भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। थैंक यू सर। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब चलते हैं घर।